हेलो स्टूडेंट, सस्टेनेबल फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 23 जून करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएफएस के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है महेंद्र लोधा को। अब ये देखते हैं, महेंद्र लोधा, ये है महेंद्र लोधा। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि उनके नव नियुक्त निदेशक महेंद्र लोधा नियमित एमडी और सीईओ की नियुक्ति तक एमडी और सीईओ की जिम्मेदारियां संभालेंगे। यह कदम मौजूदा एमडी और सीईओ पवन सिंह की छुट्टी पर भेजे जाने के बाद उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? ये था अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ योग सत्र। अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग समारोह ने अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लोगों की भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में विशेष योग सत्र का नेतृत्व किया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। कब से? 2015 से। विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो ये है बेंगलुरु में। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। स्टार्टअप जीनोम के द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यूपोर्ट 2023 में बेंगलुरु ने दो पायदान ऊपर चढ़कर 20वां स्थान हासिल किया है। सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रही न्यूयॉर्क शहर और लंदन दूसरे स्थान पर रहे हैं। सिंगापुर ने पहली बार शीर्ष 10 में प्रवेश किया। CSEQ 2022 संस्करण में 10 स्थान ऊपर 18वें से 8वें स्थान पर पहुंच गया, जो रैंकिंग में सबसे बड़ा सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है यूएनडीपी और डे एनयूएलएम ने। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने उद्यमशीलता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित कैरियर विकल्प बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सहयोगी साझेदारी में प्रवेश किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। इसे 23 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और यह आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें शहरी क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीबों के उत्थान का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने जून 2023 में निम्नलिखित में से किस कोयला खदान के लिए स्टार रेटिंग प्रक्रिया शुरू की है? तो ये की है लिग्नाइट कोयला ने। अब यह देखते हैं, खानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन, उन्नत खनन प्रौद्योगिकी को अपनाने और आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों के स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सैनिक नौकरी प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने मोट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आईटी, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, एरोस्पेस और रक्षा
सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा, डिजिटल मूल्यांकन सेवाएं, बिजली और ऊर्जा, विनिर्माण, रसायन और कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों और पूर्व सैनिकों को एक साझा मंच पर लाना है। दिसंबर 2016 तक सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवाओं से लगभग 3 लाख पूर्व सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हुरुन इंडिया की 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 सूची ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को शीर्ष पर रखा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को शीर्ष पर रखा है किसने? बर्गंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची ने, जो इसे भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में चिन्हित करता है। 16.3 ट्रिलियन रुपए के मूल्य के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद 11.8 लाख करोड़ रुपए के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ HDFC बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है अरुंधति रॉय ने। लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय को उनके नवीनतम निबंध आजादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी अनुवाद लिबरेटे फासिज फिक्शन एक प्रमुख फ्रांसीसी प्रकाशन समूह गैलिमार्ड में प्रकाशित हुआ। ये अरुंधति रॉय का निबंध है, आजादी उसका टाइटल। अरुंधति रॉय जीते अरुंधति के जो पुरस्कार जीते गए हैं उनमें पुरस्कार है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार इन्होंने 1997 में जीता है, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड 1997 में जीता है, नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बैंकों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल लॉन्च किया? तो ये किया है गूगल ने, गूगल क्लाउड ने AI पावर्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल लॉन्च किया। नई प्रणाली बैंक जानकारी का उपयोग करके नियमित जोखिम स्कोर बनाने के लिए AI को तैनात करती है। इसमें KYC डेटा और नेटवर्क पैटर्न शामिल है। वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने में मदद करने के लिए एक नया टूल गूगल क्लाउड द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उमेश कुमार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सेवानिवृत्त उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।